मनुष्य यदि धनवान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, बलवान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, गाड़ीवान कोचवान पहलवान विद्वान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन चरित्रवान तो आप बन सकते हैं। गुलाब को दूर से देखो सुंदर बहुत होते हैं, नजदीक मत जाओ कांटे हजार होते हैं। जो अपने पत्नी के मुंह को जीवन भर देखते रहेंगे उसका मन कभी नहीं बिगड़ेगा। आज लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के ऊपर में फोटो भी रखते हैं, फोटो रखिए, ऊपर में फोटो रखिए, माँ बाप का रखिए, संत का रखिए, भगवान का रखिए, देवी देवता का फोटो रखिए। बहुत शौक है तो पत्नी का फोटो ऊपर पर सेटिंग कीजिए, जब नजर पड़े तो अपनी पत्नी पर। बहुत लोग अपनी पत्नी का फोटो ऊपर में नहीं रखते, दूसरे पत्नी का फोटो सेटिंग करते हैं। एक वो चेहरा लगे जो कच्चा रसगुल्ला रही, जोर माथा घसकर, चाहे पत्नी काली हो कलौटी हो फिर भी पति को चाहिए देवी के रूप में देखें। पति जैसा भी हो पत्नी को चाहिए पति को भगवान के रूप में देखें। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? पति सत्संगी हो, पति धर्मात्मा हो, पति धर्म के राह पर चल रहे हैं, उसके साथ साथ पत्नी भी पति की सेवा करे, पत्नी भी वैष्णव धर्म का पालन करे, पत्नी भी दीक्षा लेकर ध्यान भजन करे, पति से झगड़ा लड़ाई नहीं करे, हर परिस्थिति में खुश रहे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। संसार में बहुत पति पत्नी हैं, पत्नी से पति दुखी है, पति से पत्नी दुखी है, कहीं कहीं तो पति पत्नी में भी केस मुकदमा लड़ते हैं। विचार पति मतलब होता है कि पत्नी का बढ़िया से प्रतिपाल करे। पत्नी का मतलब है पति को पतन होने से बचावे, बार बार समझावे। पति पत्नी का जीवन क्या है? मोटरसाइकिल के दो चक्का है और दुनिया के पीछे मत जाइए। भगवान राम का चरित्र कितना बढ़िया, भगवान श्री राम पंचवटी में बैठे थे सीता जी के साथ, उसी समय रावण की बहन सुपनखा चली आई, पूरा सज धज चकाचक। सुपनखा उतना सज करके आई, कौन कौन कंपनी के मुंह क्रीम लगाए ने के सीता जी फेल करी। भगवान श्री राम से सुपनखा बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए। राम कथा सुनने का मतलब है कि मनुष्य को राम जैसा चरित्र जीवन पर होना चाहिए। भगवान श्री राम जब जनकपुर में धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ फ्री में विवाह करके अवधपुर आए तो सीता जी के कक्ष में जब भगवान मिलने गए तो सीता जी हाथ जोड़कर बोली पतिदेव कुछ गिफ्ट चाहिए। भगवान ने कहा सुपनखा से हम विवाह कर लिए हैं, हम तेरे साथ विवाह कैसे करें? पत्नी साथ में है। सुपनखा बोली साथ में है तो उनको भी रहने दीजिए, उदासी बनकर के रहेगी, मैं रानी बनकर के रहूंगी। भगवान श्री राम ने कहा क्यों, जो पहली पत्नी है वो दासी क्यों बनेगी?
तेरे साथ विवाह क्यों करूंगा। सुपनखा बोली, मैं सुंदरी हूँ, मेरे सामने में सीता जी क्या है। भगवान ने कहा तुम खूब सुंदरी रहो, मेरे लिए सुंदरी तो सीता जी है। एक बार भी नजर उठाकर भगवान राम सुपनखा को देखा नहीं। भगवान श्री राम का मन चरित्र कितना कंट्रोल है, कितना बढ़िया। भगवान श्री राम सुपनखा को देखा तक नहीं, कितना बढ़िया चरित्र। सीता जी को देखते रहे, पांच किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दीजिए, पानी पता नहीं चलने देगी। हम अकेले हैं, वो दूध में मिल जाता है। दूध पानी को अपने में मिला लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलने देते। वही दूध का टेक्ची में दे के जब गौठा लगवे छे, पानी कहे छे दूध का दोष, अब हम चल ली हम और वहां जाए समझे लौटी गई भूख नहीं। दूध ना पानी के जो दोष की हो लोग कल के टेक्ची गरम छे, अब हमरो यही सराद बरखी सब हो जती तो रहे भो हम चल चल। दूध ना कजे पानी नाय दोष तो जो डेक्ची में जड़ी बहुत बड़ा चलते हम चूल हम जाय जड़ी जेन है पानी जरे जे दूध ऊपर चली जी डेक्ची से ऊपरे ऊपर लागे जब चूल हम जे माय बहन दौड़ी जाए छे यहां से घीचे छे तैयो दूध हने मोने जे ना जेबे चूल्हा में ऊपर से पानी दे दे छे। तब दूध न कहे पानी कहे छे कि दोस्त चलो वही जगह पर हम ये लिए हम लौटी के लिए हम लौटू। फिर दूध पानी एक जगह है, मनुष्य को इसी तरह से दूध और पानी के तरह परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। जितना पानी को दूध से प्रेम है उसी तरह से हम लोगों को भी परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। दूध और पानी के तरह पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। राम ने कहा गिफ्ट सोना चांदी का जीवन चाहिए गिफ्ट। भगवान श्री राम ने कहा सीते क्या ये जरूरी है। कहा हाँ, जिंदगी भर मैं आपके यहां रहूंगी, आपके साथ में रहूंगी, आज पहला मिलन है, कुछ चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा सीता जी से देवी ठीक है, जब गिफ्ट लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सोने चांदी का गिफ्ट चाहिए। हाँ, आज हम तुमको ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं जो दुनिया में कोई भी अपने पत्नी को वह गिफ्ट नहीं दिया होगा। सीता जी बोली वह गिफ्ट क्या है। भगवान श्री राम ने कहा वह गिफ्ट मैं दे रहा हूं जो तेरे सिवा दुनिया में जितना भी नारी है उसे नजर उठा करके नहीं देखूंगा और देखूंगा तो माँ और बहन समझ करके देखूंगा, उसे प्रणाम भी करूंगा। जिस आदमी का स्वभाव ऐसा हो संसार में जितने भी हैं सबको बहन समझ ले, सबको अपनी माँ समझ ले, उनका चरित्र उनका मन कभी नहीं बिगड़ेगा तो समझ जाइए वह राम जैसा चरित्र अपने ऊपर लिए हैं बनाकर। जीवन में चाहिए हर आदमी कम से कम चरित्रवान भी होना चाहिए। एक नारी ही अपनी पत्नी है, संसार में जितने हैं सबको मां और बहन समझ।
दूध और पानी में जितना प्रेम है उतना प्रेम पति और पत्नी में भी होना चाहिए। याद रखिए, जिसका सम्मान आप नहीं करेंगे तो आपका सम्मान कौन करेगा। बढ़िया बात पत्नी भी कहे तो पति को मानना चाहिए, बढ़िया बात पति भी कहे तो पत्नी को मानना चाहिए। सुदामा, कृष्ण दोनों में इतना प्रेम कि एक दोनों के बिना नहीं रहते थे। एक दिन की बात है,